कैसे 15 मिनट में एटीएम तोड़ना है उसको लेकर बिहार के छापरा इलाके में चलाया जा रहा है एक ट्रेनिंग स्कूल। जी हाँ, ये खबर जो है इस समय बिहार के इलाके से आ रही है, जहाँ पे चुन चुन के अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, जो बेरोजगार युवा है, उनको सिखाया जा रहा है कि आपने 15 मिनट में जो है वो कैसे एटीएम जो है वो लूट सकते हो। जैसा कि आपको बता दूं कि बेरोजगारी जो है बहुत ही ज्यादा जो है पूरे भारत में है, जिसको लेकर एक व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं अब एक ट्रेनिंग स्कूल जो है एटीएम लूटने का वो शुरू करता हूँ, एक स्टार्टअप शुरू किया। और मैं बता दूं कि 4 व्यक्तियों को अभी तक जो है वो यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और जिन पे शक है 39.58 लाख जो है एटीएम से लखनऊ के चोरी करने का। और मैं बता दूं कि अभी तक 9.13 लाख जो है वो अभी तक पुलिस ने बरामद किया। और सुरिंदर मिश्रा नाम का व्यक्ति जो है इस समय जो है वो मेन बताया जा रहा है, और उसको ढूंढने के लिए पुलिस की जो है वो छानबीन जारी है। एक तरीके से ये पूरा एक फिल्मी सीन जैसे लग रहा है, जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि किस तरीके से चोरियां जो है वो की जाती है, किस तरीके से आपने हाई प्रोफेशनल तरीके से जाना है, एटीएम को लूटना है, वहां से पैसे निकालने हैं। ठीक उसी तरीके का ये व्यक्ति जो है एक पूरा ट्रेनिंग स्कूल जो है वो बिहार में चला रहा था। और जैसे ही इसके बारे में पुलिस को खबर लगी, पूरी इस तुरंत जो है वहां पे गई। 4 व्यक्ति जो है वो मेन बताए जा रहे हैं कि उनके ऊपर शक है, और एक सुरिंदर मिश्रा जो है ये व्यक्ति जो है अभी तक पुलिस के हाथों में नहीं आया। और जिन युवाओं ने ये ट्रेनिंग स्कूल जो है वो ज्वाइन किया हुआ था, उनसे भी जो है वो पूछताछ किए जा रही है कि अभी तक आपने जो है कितने एटीएम जो है वो लूटे। क्योंकि अगर हम बाहर के इलाकों के, जम्मू कश्मीर से बाहर के इलाकों के, यूपी के इलाकों की बात किए रहे, तो वहां से बहुत ही ज्यादा एटीएम लूटने के और चोरी के केस जो है वो आ रहे थे। और जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब हो रही थी, तो अब पुलिस ने ये पूरा एक ग्रुप जो है वो बिहार के छापरा इलाके से जो है वो पकड़ा है, जहां पे पूरा उनको प्रोफेशनल तरीके से समझाया जा रहा था कि आप कैसे एटीएम के अंदर जाएंगे। इतने एक सीमित समय था, 14 से 15 मिनट के अंदर आप जो है पूरा एटीएम जो है वो लूट सकते हैं और उसका कैश जो है अपने पास रख सकते हैं। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं, 39.58 लाख जो है उन 4 व्यक्तियों का चोरी करने की आशंका थी, उन 4 व्यक्तियों ने 39.58 लाख जो है वो चोरी की है। हालांकि अभी तक सिर्फ पुलिस के हाथ 9.13 लाख जो है वो बरामद हुआ है। अभी इसको लेकर और भी आगे जो अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।